गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बच्चों कल जो हमने बताया उसके आगे बढ़ते हुए पेज 8.14 पेज पर एग्जांपल नंबर 18 ये अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन बच्चों शुरू हो रहे हैं। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देखिए साइन थीटा प्लस साइन फाइव इक्वल टू रूट थ्री कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों इसमें लेफ्ट साइड में हम एक फार्मूला लगाएं, 2 साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस पाई अपॉन 2 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 हो गया और इज इक्वल टू में आ जाएगा रूट थ्री 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन d माइनस सी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा d माइनस सी अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में आ गई बच्चों और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में इन्होंने पूछा क्या है वो भी देखिए, इन्होंने कहा है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट sin 3 थीटा प्लस sin 3 phi इज इक्वल टू 0। साइन थ्री थीटा प्लस साइन थ्री फाइव इक्वल टू बच्चों जीरो लाना है तो हम लोग पहले इस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी लगा के ये अपने यहां तक ले आए, ये आप लोग बच्चों कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल जैसे ऐसे नहीं करेंगे। कोई ये कहे कि सॉल्व 2x² = x तो एक्स से एक्स अगर आप कैंसिल कर देंगे तो इसकी एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आप इसको इधर ले लीजिए और ये हो जाएगा 2x - 1 = 0 तो x = 0 तो x = हो जाएगा 1/2। तो इसमें जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें x की 2 वैल्यू आनी चाहिए और x की बच्चों जब 2 वैल्यू आनी चाहिए तो एक आ गई 0 और एक आ गई 1/2। ऐसे ही अगर आप x से x कैंसिल कर देते तो एक वैल्यू इसकी खत्म हो जाती, ऐसे ही इसमें ये नहीं कैंसिल कर आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल नहीं करेंगे। अगर आप सामने बैठे होते तो मुझसे ये जरूर पूछते कि सर इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन ये है सब बताते चलना, इसीलिए इसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड में भेज दिया, ये कॉमन कर लिया। और बच्चों कॉमन कर लेने के बाद एक बार हम ये कहेंगे इफ दिस इज इक्वल टू 0, इफ दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाता है और ये 0 जब हो जाएगा तो ये 0 होने के लिए क्या होगा जरा देखिए। If हम कहेंगे if साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 देन थीटा प्लस पाई बाई 2 साइन इज इक्वल टू साइन 0 देन थीटा प्लस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 तो थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई और इसे नंबर 1 लगा दिया जाएगा। और इफ ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 माइनस रूट 3 साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और फिर इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये दो कंडीशन निकल के बच्चों आएंगी और दूसरी कंडीशन हो जाएगी ये माइनस कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 ये और ये कैंसिल और रूट थ्री बच्चों इधर चला जाएगा और कॉस वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 अपॉन कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1/√3। क्या करा बच्चों इसके बाद ये वाली लाइन आई, एक बार ये जीरो लिया पूरा, ये पूरा एक बार जीरो लिया इफ दिस जीरो और इफ दिस जीरो, ठीक है एक बार जैसे कि अगर आप देखिए अगर a टू b जीरो है तो या तो a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा, या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा, तो यही मैंने कह दिया या एक बार ये जीरो और एक बार ये जीरो, ये दोनों एक एक बार जीरो ले लिए गए और दोनों एक एक बार जीरो ले लेने के बाद इधर वाली जो वैल्यू चल रही है ये हो गया 10 थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो बच्चों थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कंपेयरिंग बोथ साइड 30 डिग्री तो थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू
60 डिग्री, इसे ये टू नंबर डाल दीजिए। एक बार इसे जीरो लिया तो जीरो होता है साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है कंपेयरिंग बोथ साइड, साइन से साइन कैंसिल, देन थीटा प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू माइनस पाई। एक बार ये जीरो लेंगे तो ये वाला टर्म पूरा इधर चला जाएगा, और चले जाने के बाद ये जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल करके इसको इसके नीचे ले आएंगे, और इसको इसके नीचे ले जाएंगे रूट थ्री को। बच्चों रूट थ्री को नीचे ले गए, और रूट थ्री को नीचे ले जाने के बाद क्या हुआ, ये टेन थीटा माइनस पाई बाई टू हो गया, और ये टेन थर्टी की वैल्यू है, कंपेयरिंग बोथ साइड, टेन से टेन खत्म हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब हमारे सामने ये सीरीज सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, एक थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई, एक थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब हमारे सामने टू कंडीशन है, हम कहेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई, इफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू जब माइनस पाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लगाया जाएगा, और ये हो गया साइन थ्री थीटा प्लस साइन थ्री फाई, और इसे जीरो लाना है तो ये हो गया माइनस पाई, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस साइन थ्री फाई, और ये हो गया माइनस साइन थ्री फाई। ये बच्चों ये देखिए, ये जो साइन का माइनस है वो बाहर आ जाता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई लगा दी, और ये जो माइनस है इसका ये बाहर आ गया, और ये कैंसिल होके जीरो आ गया, ये और ये कैंसिल होके जीरो आ गया। और हम इसमें ये लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव पहली कंडीशन से लेफ्ट हैंड साइड, और सेकंड कंडीशन से ये लिखेंगे इफ हमारा था थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस फाइव बच्चों, तो फिर हम लोग अब फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरी कंडीशन है, ये फ्रॉम फर्स्ट से आया है, यहां फ्रॉम सेकंड से आएगा, और फ्रॉम सेकंड से आने के बाद ये हो जाएगा साइन थ्री थीटा प्लस साइन थ्री फाइव, और ये हो गया थ्री 60 प्लस फाइव प्लस साइन थ्री फाइव हो गया। देखिए इधर तो थीटा इक्वल टू माइनस फाइव लगा दिया, यहाँ थीटा माइनस फाइव 60 है, तो थीटा इक्वल टू 60 प्लस फाइव लगा दिया, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 प्लस फाइव लगा के ये साइन थ्री फाइव हो गया, और ये वैल्यू हो गई साइन 180 प्लस थ्री फाइव, और 180 प्लस थ्री फाइव, और ये हो गया साइन थ्री फाइव, और ये हो गया साइन 2 इंटू 90 प्लस थ्री फाइव, 2 इंटू 90 प्लस थ्री फाइव बच्चों, और 2 इंटू 90 प्लस थ्री फाइव कितना हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 90 का मल्टीपल इवन है, इसलिए हो जाएगा माइनस साइन थ्री फाइव, और ये हो गया प्लस साइन थ्री फाइव, और ये हो गया ये और ये कैंसिल बच्चों जीरो आ गया। क्या करा बच्चों, फिर से देखिए थीटा माइनस पाई 60 है, तो थीटा इक्वल टू 60 प्लस पाई हो गया बच्चों, थीटा की वैल्यू 60 प्लस पाई लगा दी, ये साइन थ्री फाइव हो गया, थ्री के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये थ्री फाइव हो गया, साइन टू इंटू 90 प्लस थ्री फाइव, 90 का मल्टीपल इवन है इसलिए ये बच्चों हमारा साइन का साइन ही रहा, और ये सेकंड सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में गया, दो तो इसने 90 पूरे करेक्ट हुए, और ये 35 में ऐड हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये बच्चों क्या हो जाएंगे आपको पता ही है, माइनस होके जीरो रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम अब एग्जांपल रोक रहे हैं, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज के बता रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, एक ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो एक्सरसाइज 8.2 में पेज 8.19 पर एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है, और 10th क्वेश्चन में कहा क्या गया, पहले गिवन क्या है, cos a + cos b = 1/2, और sin a + sin b = बच्चों 1/4 है, और लाना है tan a + b / 2 = 1/2। तो इसमें देखिए क्या कहेंगे, बहुत सिंपल है फार्मूला, फ्रॉम फर्स्ट cos a + cos b = 1/2, 2 cos a + b / 2 cos a - b / 2 = 1/2,
टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, ये फार्मूला लगा दिया बस, सेकेंड थर्ड नंबर की इक्वेशन डाल दी और ये हो गया सेकेंड, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू वन बाई फोर, टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू वन बाई फोर, टू साइन सी प्लस बी अपॉन टू कॉस सी माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू वन बाई फोर, ये फोर्थ नंबर की इक्वेशन डाल दी, cos c plus cos d sin c plus sin d, ये फॉर्मूले लगा के कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बस थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देना है बच्चों, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करने पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने पर ये cos a minus b से cos a minus b upon 2 वाले से ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये होने के बाद cos a plus b upon 2 upon sin a plus b upon 2 cot a plus b upon 2 बचेगा, सॉरी ये 4 लिखा हुआ है ये 2 बचेगा, cos a plus b upon 2 upon sin a plus b upon 2 cot a plus b upon 2 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा cot a plus b upon 2 is equal to 2, cot a plus b upon 2 is equal to 2, ये 4 चल रहा है, ये 4 नहीं है, ठीक है बच्चों, तो ये cos a plus b upon 2 upon sin a plus b upon 2 cot a plus b upon 2 4 upon 2 2 हो गया और ये cot a plus b upon 2 is equal to 2 होने के बाद cot a plus b upon 2 का reciprocal करेंगे तो वो tan a plus b upon 2 हो जाएगा, यानी कि cot theta is equal to अगर 2 है तो 1 upon ये tan theta होता है और 1 upon tan theta बच्चों ये 2 ही रहेगा, ये थोड़ा सा आप confused हो सकता है, हो जाए मैंने कह रहा हूँ ये cot theta को बस हमने 1 upon tan theta लगा दिया, 1 upon tan theta लगाने के बाद cross multiply कर दी 2 tan theta is equal to 1 तो tan theta is equal to बच्चों 1 by 2 तो वही मैंने कर दिया है कि cot, ये देख लीजिए cot theta अगर 2 है तो cot theta को 1 upon tan theta लिख सकते हैं और 1 upon tan theta 2 हो गया और 2 tan theta is equal to 1 then tan theta is equal to 1 by 2 हो गया, tan theta is equal to 1 by 2 तो ये वैसे ही आया है cot a plus b upon 2 is equal to 2 then tan a plus b upon 2 is equal to 1 by 2 हो गया बच्चों, तो ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था और अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और दे रहा हूं, उससे आपको और अच्छी मदद मिलेगी और जो आप कर रहे हैं वो तो सही है, करते रहिए, ठीक एक्सरसाइज के और क्वेश्चन अगले वीडियो में आ रहे हैं बच्चों।